मैंने काली टेस्ला पहली बार देखी, ज्यादा वाइड ही। जापान में जो पेड लीव्स होती है ना, वो कैसी होती है? घुस जा। तो 300 यन से शुरू होता है और लाखों करोड़ों तक के भी चाहते होते हैं। परसों वाला अंकल देखो, सफाई करने आता है जो अंकल, हाउ इज योर डे? इट वाज ओके। Pretty what? Good morning, everybody. Welcome back to another vlog. शुरुआत करते हैं नए दिन की। आज है मंडे। जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि कल रात को ना मैं जल्दी सो गया था। अरे बाहर बारिश हो रही है यार। ठीक है, कल रात को मैं जल्दी सो गया था, थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी तो ना एडिट नहीं हो पाया। ठीक है, अभी मैं एडिट कर रहा, उसके बाद जो है इस वीडियो को इम्पोर्ट करूँगा, फिर रेडी होऊंगा भाई ऑफिस के लिए। तो ये है आज का सीन। अभी ठीक है थोड़ा सा सीन ना, मुझे लग रहा कल मैं ना थोड़ा सा थक गया था यार, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। चलो ये हो गए रेडी एकदम चकाचक। मौसम है आशिकाना बाहर, थोड़ा सा आज बादल से बारिश सी हो रही हल्की सी। ठीक है, चाय है यहाँ पर रेडी, वीडियो चल रहा फाइनल चेक, फिश को दे दिया खाना और मधु का हो रहा है वेट। सारे काम निपटा दिया भाई मैंने, अपने चिल मारा, मेरे पास है 15-20 मिनट। ठीक तो चलो निकलते हैं ऑफिस के लिए, करते हैं काम वही डेली वाला। Always ready. Hello. Good morning. Good morning. आज ही निकल चुके हैं घर से चकाचक। आज थोड़ी सी बारिश ही हो रही है। मोटर के पास छाता, अपन है हीरो, नो छाता। अरे हाँ, कल भाई कोई पूछ रहा था कि जापान में जो पेड लीव्स होती है ना, वो कैसी होती है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ तुमको, इनको सिक लीव बोल लो या पेड लीव बोल लो। तो जैसे ऑफिस का ना कैलेंडर होता है हर कंपनी का ना, साल में कितनी छुट्टियाँ होती हैं, तो ये डिस्कस होता है जब तुम्हारा इंटरव्यू होता है कि साल में वीकेंड्स मिला के नेशनल हॉलीडेज मिला के वो बोलते हैं 132 या 135 इतने दिन की छुट्टी होती है। ठीक है, प्लस तुम्हारी अगर तुम्हारी नई नई जॉब लगी है ना, तो पहले साल तुमको 10 पेड हॉलीडेज मिलती हैं और फिर वो भी, अरे भाई पोर्शा देख। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, अगले साल से ना किसी कंपनी में एक इंक्रीज होता है। जैसे जो तुम्हारा सेकंड ईयर होगा ना, उसमें सेकंड ईयर में जो है 11 हो जाएंगे, कोई कंपनी ज़्यादा कर लेती है, 14 कर लेती है, तो ये कंपनीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे आपने आज शुरू किया है ना, तो आप अभी नहीं ले सकते ये जो 10 पेड हॉलीडेज होती है ना, ये शुरू होती हैं आपकी 6 महीने बाद। जब तुम उस कंपनी में 6 महीने हो जाते हैं तुम्हें, तब शुरू होती हैं भैया। तो ये है सिस्टम पेड हॉलीडेज का। मधु को हो गया भाई हे फीवर। हे फीवर होता है जो ये पॉलिन उड़ता है ना फूल वूल से, तो अब जैसे स्प्रिंग आ रहा है तो ये छोटे छोटे फूल उगने लग गए, तो उनसे उड़ता है पॉलिन। ठीक, और उनसे होता है जैसे आंख में पानी आता है, नाक में खुजली होती है, कान के अंदर खुजली होती है, और मधु को वही हो रहा है। प्रिंकल को भी हर साल होता है, तो इसकी भी मेडिसिन आती है। अरे हाँ, बारिश से याद आया, जापान में जो छाते होते हैं ना छाते, तो सबसे सस्ता मेरे को लगता है 200 या 300 यन का मिलता है कन्वीनियंस स्टोर में ना। तो 200-300 यन से शुरू होता है और लाखों करोड़ों तक के भी छाते होते हैं। तो जैसे जो महंगे छाते होते हैं ना, उनकी जो सीख बोलते हैं ना इंडिया में छाते की सीख, वो ज़्यादा होती है उन पर। तो वो उसमें डिवाइड होते हैं कि 14 सीख वाला, 16 सीख, 17 सीख। ठीक है, टेस्ला, मैंने काली टेस्ला पहली बार देखी, ज़्यादा वाइड ही चलती है। अपने पास सिर्फ 8 मिनट बचे और मधु का लेना आज वो पास, आज 18-19 तारीख है ना, हो गया महीना, इसका रिन्यू करना है। वो रिन्यू में उतना टाइम तो नहीं लगता, चलो 5 मिनट का काम है। द लॉर्ड ऑल्टो खड़ी है भाई, ये देखो भाई, एक बार कर दिया ना तो फ्रॉम टुडे फिर जो बराबर हो जाता है कैश।
अच्छा घुस जा यार, घुस जा भगवान। ये होता भाई, एक हाथ में अगर कैमरा हो और साथ में अगर मधु हो, उसको ये भी नहीं हो रहा कि हाँ मैं ही घुसा दूं पैसे। एक मिनट में सारा काम, इसको बोलते हैं स्पीडी सिंह। चलो दस दस स्टेशन पे, ले ली है चाय, अब चलते हैं वजह ऑफिस की तरफ, करते हैं काम क्योंकि काम जरूरी है। ठीक है, काम हम करके शाम को निकलते हैं, देखते हैं शाम का सीन क्या होता है। परसों वाला अंकल देखो, सफाई करने आता है जो अंकल, आज ही हो गया काम खत्म, पैसा हजम। आज बारिश हो रही है भाई, छाता लेके आ गया हूँ ऑफिस से। हाउ इज योर डे? हाउ इज योर डे? मधु हैज हे फीवर। ठीक है, ये चलेगा, कुछ दिन चलेगा, बढ़िया है, मुंह बंद है। चलो चाय आ गई भाई, मधु भाग भाग के गई हमारी चाय लेके आ गई, आज सेवा हो रही है हमारी। आज ही पहुंच गए स्टेशन पे, आज दूसरी तरफ जा रहे हैं स्टेशन के ना, कौन गिरा, आज दूसरी तरफ से उतर रहे भाई आज ना, आज ना खा के चलते हैं घर आराम से। ठीक है, आज थकान सी लग रही है, बनाने बनाने का सीन नहीं है आज, और बारिश भी हो रही है, तो फटाफट खा के जाएंगे, फटाफट एडिट करेंगे, सो जाएंगे टाइम से। मधु की भी तबीयत खराब है, कहाँ बनाएगी मधु खाना। चलो है भाई रेस्टोरेंट, बारिश तगड़ी हो रही है ऊपर ना, जॉनथन करके आए, नीचे है 7-Eleven, बड़ी पार्किंग हाईवे पे है, और ऊपर है ये, पहले ही आपने किसी ब्लॉग में देखा होगा शायद, हम आए थे इधर, या तो ब्लॉग बनाने से पहले ही आए होंगे। ये देखो कुछ ऐसा है सीन, अरे ये वही वाला है जहाँ पर ना वो रोबोट वाला अंदर सीन। चलो दिखाता हूँ, जापान में देखो जिस दिन बारिश होती है ना, छाता रखने के लिए थैले रखे होते हैं, उसमें रखते हैं वो छाता, वो थैला निकालिए एक और छाता उसके अंदर डाल, फिर ले जाए छाता अंदर। हेलो जी, हो गया छाता पैक, चलो अंदर खोलो दरवाजा। ये ना काफी बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट है वाला ना, इतना महंगा भी नहीं है, सस्ता भी नहीं है, ठीक ठाक कुछ ऐसा है वही सीन। और इसकी खास बात पता क्या है, यहाँ ना रोबोट से होता है सर। चलिए हम बैठते हैं, हो गया जी ऑर्डर, मेन्यू ना इंग्लिश मैन का अच्छा है। समय का करेंगे सदुपयोग, एडिट कर देते हैं जितने में वो खाना होता है ना, कुछ तो होगा यार, घर में थोड़ा सा इजी तो होगा बाद में। हेलो भाई, सैलड ले आई है अपनी बिल्ली मौसी,
बटन दबा दे ऊपर, वापस नहीं भेजना ऊपर, दबा। चलो बाय बाय। हाँ पिज्जा आ गया भाई। निकालो जी मधु का पास्ता आ गया। ये लो भाई अपने वाला आ गया, खींचो उसको। फिर बोल। चल और देखो ये थैला जो है ना अब यूज हो गया, अब यहीं फेंक देना है। बाय बाय। चलो ये हो चुका है डिनर, मजा आ गया। जोर से बोल। मजा आ गया। और जोर से बोल। मधु ने ले लिया भाई हे फीवर की दवाई नाक। हाँ जी आ गया हूँ घर, मधु चली गई घर, खाना वाना हो गया। अब ना थोड़ा सा एडिट करता हूँ यहीं पे बैठ के और फिर सो जाऊंगा आज टाइम पे ना। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ऑलवेज बींग विद मी, थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग। कुछ लोग ना बढ़िया बांध रखा हुआ है कमेंट वाला सिस्टम, थैंक यू। अगर आप यहाँ पर आए हों तो मौजूदगी का एहसास करा दीजिए एक गुलाबी दिल के साथ कमेंट बॉक्स में, और अगर आपने लाइक नहीं किया है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।